निगाह है मस्ताना, देख समा है सुहाना। तेरा क्या कहना, हम भी अकेले तुम भी अकेले कहते हैं तुमसे हाँ। तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के, वो भी छेड़ेंगे गली के सब लड़के के, चांद मेरे छिप जाने दे। आइए दोस्तों बात करते हैं साल 1957 की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में और सुनते हैं उनके सुपरहिट गानों की झलकियाँ। इस साल 10वें नंबर पर थी फिल्म मुसाफिर। इसका निर्देशन किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने। अभिनय किया था दिलीप कुमार, किशोर कुमार, सुचित्रा सेन, निरूपा रॉय, उषा किरण, दुर्गा खोटे और नाजीर हुसैन ने। 32 लाख रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने 45 लाख रुपए की कमाई की थी और एवरेज रही थी। गीत लिखा था शैलेंद्र ने, संगीतबद्ध किया था सलील चौधरी ने, गाया था मन्ना डे और शमशाद बेगम ने। नौवे नंबर पर थी फिल्म शारदा। इसका निर्देशन किया था एलवी प्रसाद ने और अभिनय किया था राज कपूर, मीना कुमारी, श्यामा और गोप ने। फिल्म का बजट था 35 लाख रुपए और कमाई की थी 50 लाख रुपए की। ये फिल्म भी एवरेज रही थी। फिल्म में मीना कुमारी ने पहले राज कपूर की प्रेमिका और उसके बाद सौतेली माँ का दमदार अभिनय किया था। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने, संगीतबद्ध किया था श्री रामचंद्र ने और गाया था लता मंगेशकर ने। आठवें नंबर पर थी फिल्म भाभी। इसका निर्देशन किया था कृष्ण पंजू ने, अभिनय किया था बलराज सहनी, नंदा, श्यामा, ओम प्रकाश, आगा, जगदीप और दुर्गा खोटे ने। फिल्म का बजट था 35 लाख रुपए और कमाई की थी 60 लाख रुपए की। ये फिल्म सेमी हिट रही थी। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने, संगीतबद्ध किया था चित्रगुप्त ने और गाया था मोहम्मद रफी ने। भूल जा अब वो मस्त हवा वो उड़ना डाली डाल। सातवें नंबर पर थी आशा। इसका निर्देशन किया था एमवी रमन ने, अभिनय किया था किशोर कुमार, वैजयंती माला, प्राण, ओम प्रकाश, ललिता पवार और मीनू मुमताज ने। फिल्म का बजट था 35 लाख रुपए, कमाई की थी 75 लाख रुपए की। ये फिल्म हिट रही थी। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने, संगीतबद्ध किया था श्री रामचंद्र ने और गाया था लता मंगेशकर ने। छठे नंबर पर थी पेइंग गेस्ट। इसका निर्देशन किया था सुबोध मुखर्जी ने, अभिनय किया था देवानंद नूतन, गजानंद जागीरदार, सुभा खोटे और याकूब ने। फिल्म का बजट था 40 लाख रुपए और कमाई की थी 80 लाख रुपए की। ये हिट रही थी। छोड़ दो आचल जमाना क्या कहेगा, ओ छोड़ दो आचल जमाना। गीत लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीतबद्ध किया था एसडी वर्मन ने, गाया था किशोर कुमार और आशा भोसले ने। इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। पांचवें नंबर पर थी फिल्म तुमसा नहीं देखा। इसका निर्देशन किया था नासिर हुसैन ने, अभिनय किया था शम्मी कपूर, अमिताभ, प्राण, अंजलि देवी, राम अवतार, एस एल पुरी और एम बी शेट्टी ने। फिल्म का बजट था 50 लाख रुपए और कमाई की थी 1 करोड़ रुपए की। ये फिल्म हिट रही थी। देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ। तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ।
गीत लिखा था मजरूर सुल्तानपुरी ने, संगीतबद्ध किया था ओपी नायर ने, गाया था मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने। रूठ के हमसे हाँ, देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे। चौथे नंबर पर थी दो आंखें बारह हाथ, इसका निर्देशन किया था वी शांताराम ने, अभिनय किया था वी शांताराम, संध्या उल्लास और बी एम व्यास ने। फिल्म का बजट था 55 लाख रुपए और कमाई की थी 1,25,00,000 रुपए की। फिल्म की कहानी 6 खूंखार और अत्यारे कैदियों को खुली जेल में रखकर उनको बदलने की है। ये फिल्म सुपरहिट रही थी। ए मालिक तेरे बंदे हम, गीत लिखा था भरत व्यास ने और संगीतबद्ध किया था वसंत देसाई ने। गया था मन्ना डे और लता मंगेशकर ने। और बगीची चली ताकि हंसते हुए निकले दम। तीसरे नंबर पर थी प्यासा, इसका निर्देशन किया था गुरुदत्त ने, अभिनय किया था गुरुदत्त, वहीदा रहमान, माला सिन्हा, रहमान, जोनी वाकर, महमूद, लीला चिटनीस, कुमकुम और टुनटुन ने। फिल्म का बजट था 65 लाख रुपए और कमाई की थी 1.5 करोड़ रुपए की। ये फिल्म सुपरहिट रही थी। जवानी भटकती है बदकार बनकर, गीत लिखा था शायर लुधियानवी ने और संगीतबद्ध किया था एच डी बर्मन ने। जवान जिस्म सजते है बाजार बनकर, गाया था मोहम्मद रफी ने। यहाँ प्यार होता है व्यापार बनकर। दूसरे नंबर पर थी नया दौर, इसका निर्देशन किया था बी आर चोपड़ा ने, अभिनय किया था दिलीप कुमार, वैजयंती माला, जीवन अजीत खान, जॉनी वाकर और नाजिर हुसैन ने। फिल्म का बजट था 1 करोड़ रुपए और कमाई की थी 2,25,00,000 रुपए की। फिल्म सुपरहिट रही थी, लेकिन कुछ आलोचकों द्वारा ये कहकर आलोचना की गई थी कि फिल्म मशीन के उपयोग को गलत बताती है। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर। गीत लिखा था शायर लुधियानवी ने, संगीतबद्ध किया था ओपी नायर ने, गाया था मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने। मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी पहले नंबर पर थी फिल्म मदर इंडिया, इसका निर्देशन किया था महबूब खान ने, अभिनय किया था राजकुमार, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार, नरगिस कन्हैयालाल, कुमकुम, शिल्ला नाइक, जिल्लो मुकरी और साजिद खान ने। फिल्म का बजट था 60 लाख रुपए और कमाई की थी 4 करोड़ रुपए की। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी। दुख भरे दिन भी तेरे भैया, तब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लाए। गीत लिखा था शकील बदायूनी ने, संगीतबद्ध किया था नौशाद ने, गाया था मन्ना डे और शमशाद बेगम ने। रंग जीवन में नया लायो रे, होए होए दुख भरे दिन भी तेरे भैया, भी तेरे भैया, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या दिया, दिल में अगर चराग जलाए तो क्या दिया। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए, काहे घबराए।